Question number 4. Parichit makes a cuboid of plasticine of side 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? देखिए एक प्लास्टिक शीट का यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर हम एक रफ डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं कि 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ और हाइट 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से जो मेजरमेंट दी हुई है, तो ये तो एक क्यूबाइड है। तो ऐसे कितने क्यूबाइड हम मिलाएं कम से कम ताकि वो एक क्यूब के फॉर्म में आ जाए, ये हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी अगर 5 होता तो ये क्यूब होता, लेकिन यहाँ पर ये 2 है इसलिए क्यूबाइड है। तो देखिए ये 5 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 × 2.5 करना पड़ेगा, तो पॉइंट में हम ले नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो क्यूब का जो फैक्टराइजेशन है, या जैसे कि हमने कुछ प्रॉब्लम में पढ़ा है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो अगर इसके हम वॉल्यूम निकालते हैं इस क्यूबाइड की, तो वॉल्यूम का मतलब 5 × 2 × 5, दैट मीन्स 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50। 50 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, ये हमें आंसर लाना है। तो क्वेश्चन क्लियर? बस ये यहाँ पे क्यूबाइड का एक फॉर्म दिया हुआ है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हियर सम क्यूबाइड्स ऑफ साइज 5 cm × 2 cm × 5 cm आर गिवन, दिया हुआ है। इसमें से ये एक क्यूबाइड का हमने साइज यहाँ पे बताया है। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 × 2 × 5, या इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, या इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 टाइम्स होना चाहिए था, नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, 5 भी ट्रिपलेट नहीं है, 5 ये यहाँ पर 2 टाइम्स ही है। इसका मतलब है कि हमें 2 बार 2 का इंटू करना पड़ेगा और एक बार 5 का इंटू करना पड़ेगा, तब ये जाके पूरा कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब में, परफेक्ट क्यूब नंबर में। अगर इसका हम मल्टीपल करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है 50, अगर हम इसका अगर यूनिट लिखेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ डिजिट ले रहे हैं और यूनिट हम बाद में लिखेंगे, तो समझने के लिए हम ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्यूबिक सेंटीमीटर देंगे, क्लियर? तो फिलहाल हम ये समझने के लिए लिख रहे हैं, आप जैसा चाहें लिख सकते हैं, चाहे तो यूनिट दें या विदाउट यूनिट भी लास्ट में आप यूनिट दे सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्यूबाइड बताना है कि कितने क्यूबाइड को मिला करके एक क्यूब बनेगा यहाँ पर। तो अब देखिए हमें करना क्या है, इस पर हम गौर करते हैं कि हियर 1, 2 and 2, 5 आर लेफ्ट विच आर नॉट इन ए ट्रिपलेट। यहाँ पर ये जो 1, 2 है और 2, 5 है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 की ज़रूरत है और यहाँ पर 1, 5 की ज़रूरत है। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2 × 2 × 5। देखिए यहाँ पर 1, 2 है, 2, 2 का और हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2, 5 है, यहाँ पर हमने 1, 5 का और मल्टीप्लाई किया। इनका अगर हम मल्टीपल निकालें तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 यानी कि 20, ठीक है। हम डायरेक्ट 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि देन द नंबर विल बी ए परफेक्ट क्यूब। अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें इस 50 में, तो उसके बाद जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, या तो हम 20 लिखें या 2 × 2 × 5 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं देयरफॉर 50 हैज़ टू बी मल्टीप्लाई बाई 20, 50 को हमको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर, टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। 50 × हमने किया 20, तो ये हमें मिल गया 2 × 5 × 5, यानी कि ये जो हमने 50 का फैक्टराइजेशन किया था और यहाँ पर हमें मिला ये 20, क्लियर। अब देखिए अगर हमने 50 × 20 किया मतलब 1000, देयरफॉर 50 × 20 = 1000, और 1000 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे 20 क्यूबाइड चाहिए, ठीक है। इसको हम रीअरेंजमेंट करके समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए टोटल क्यूबाइड्स रिक्वायर अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट
is equal to 2 into 2 into 5 is equal to 20. तो ये 20 से कैसे होगा इसे हम समझते हैं. With the help of 20 cuboid, such measure a cubes is formed as follow. कैसे होगा देखिए, ये मान लीजिए एक क्यूब, देखिए अब यहाँ पर ये 5 है, हाइट भी 5 है लेकिन ये 2 है. तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा करते जाएं और यहाँ पर हमने लिया देखिए, तो ये हो गया अब ये 10, ये हाइट हो गई 5 और यहाँ लेंथ हो गई 5. यानी कि देखिए ये जो है जो 10 हुआ 2 इंटू 5 10, तो हर तरफ 10 अगर हो जाए यानी कि लेंथ ब्रिथ और हाइट, तो वो एक क्यूब का फॉर्म ले लेगा. तो चलिए 10 करने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो ये 5 क्यूब हमने लिया, अब देखिए 6 7 8 9 और ये 10. अब देखिए लेंथ भी 10 हो गया और ब्रिथ भी यहाँ पे 10 है. अब हाइट भी 10 चाहिए, इसका मतलब है देखिए ये 10 और है, 10 और हम कर देते हैं ऐसा अरेंजमेंट, 2 3 4 और ये 5, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. तो ऐसे कितने हमें दिखे, 20 क्यूब. ये समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है. अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मेजर इसका 10, ठीक है, 5 प्लस 5 10 हो गया. अब यहाँ देखिए ये हो गया 2 इंटू 5 का मतलब यहाँ भी हो गया 10 और ये हाइट भी हो गया यहाँ पे 10, हाइट हम कहीं भी दिखा सकते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर. अब ये एक क्यूब का फॉर्म दिख रहा है, लेकिन ऐसे कितने क्यूबाइड हमें लगे, 20 क्यूबाइड लगे. तो यही हमारा आंसर होगा कि हमें ऐसे 20 क्यूबाइड चाहिए जिससे कि एक क्यूब यहाँ पर बनेगा.